अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भीषण कार धमाके में 24 लोगों की मौत हो गई है और 42 जख्मी बताए जा रहे हैं। इस आत्मघाती हमले में हमलावर ने कार में धमाका किया। ये धमाका राजधानी FD6 इलाके में हुआ है। फिलहाल इस धमाके की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। अभी तक कोई आतंकी संगठन इस हमले को लेकर सामने नहीं आए हैं। बड़ी खबर है काबुल से, जहां पर आत्मघाती हमला हुआ है। एक बार फिर से अफगानिस्तान की जमीन दहल गई है इस आत्मघाती हमले से।